हाँ जी स्टूडेंट्स, ये थोड़ी पंजाबी स्वर अभ्यास बुक है जो एक प्रैक्टिस बुक है थोड़ी, तुहानू बुक सैट के विच जरूर मिली होगी। अज हम असी हुण इस ते थोड़ा जिहा वर्क कर रहे हैं। अगर तुहाडे कोल ये वाली बुक नहीं है तो तुसीं नोटबुक उपर वर्क कर सकते हो। सब तो पहलां इत्थे लिखिया है चित्र पछाणो ते उहनां दे नां दा पहला अक्षर लिखो। हुण तक देखो साडे कोल की बनिया होया है। सब तो पहलां चित्र दे विच बस, तां बस दा पहला अक्षर की हुंदा है बब्बा। बब्बा बस, असी इत्थे बब्बा लिखांगे, बब्बा बस। उस तो बाद देखो इत्थे असी यह भी कह सकते हैं कि कोई परसन इत्थे बैठ के भगती कर रहा है जां भजन गा रहा है। बब्बा भजन भी हुंदा है, बब्बा भगती भी हुंदा है। तुसी इत्थे बब्बा लिखोगे बब्बा। अगर असी भजन गाने तां बब्बा भजन हुंदा है। और ध्यान नाल देखो तुसी बब्बा भगत भी हुंदा है ते बब्बा भजन भी हुंदा है। इत्थे असी बब्बा लिखांगे। इस तो बाद इत्थे की है पहाड़, तां पप्पा पहाड़, पप्पा पहाड़। उस तो बाद अगलेरे अक्षर लिखो। देखो साडे कोल जो अक्षर लिखे हुए ने उस तो अगे वाला अक्षर असी इत्थे लिखना है। सब तो पहला इत्थे की लिखा हुआ है एड़ा। एड़े तो बाद की आउंदा हुंदा है ईडी। अगर तुहानू पता होगा वर्णमाला दे विच इस तो बाद की आंदा अक्षरों तो बाद, तां तुसीं ओह अच्छी तरह चंगी तरह सही सही राइट कर सकोगे। उस तो बाद देखो कक्का। कक्के तो बाद की आंदा है खखा। तुहानू इस नाल वर्णा की पहचान हो जाएगी, वर्णमाला की प्रैक्टिस भी पूरी होगी। इस तरह टैंके तो बाद की आंदा है ठट्ठा। अगे ये की है जज्जा। जज्जे तो बाद की आंदा है चज्जा। अगे थत्था। देखो थत्थे तो बाद की आंदा है दद्दा। इस तो बाद देखो की है नन्ना। ठीक है, नन्ने तो बाद की आंदा है कौन, केड़ी लाइन स्टार्ट होंदी है नन्ने तो बाद? पप्पा। पप्पे वाली लाइन स्टार्ट होंदी है, असीं लिखांगे पप्पा। इस तो बाद इत्थे की है रारा। तारारे तो बाद की आंदा है लल्ला। ये तुहानू प्रैक्टिस अपनी नोटबुक पर भी करनी है और बुक अगर है तो बुक पर भी करनी है। जिन्नी वध तुसीं इसकी प्रैक्टिस करोगे तो उन्नी वध उन्ना वध वर्क आएगा। हुण इत्थे की है देखो सस्से पैर बिंदी। तो सस्से पैर बिंदी तो बाद की आता है खखे पैर बिंदी। खखे पैर बिंदी इस तो बाद की है फफे पैर बिंदी। फफे पैर बिंदी तो बाद की आता है लल्ले पैर बिंदी। ठीक है बेटा, उस तो बाद देखो अगे की है। साडे कोल इत्थे कुछ पिक्चरां दित्तियां गईयां ने, सही मिलान करो, असी मैचिंग करनी है। इधर सानू वर्ण दित्ते ने, इधर सानू पिक्चरां दित्तियां गईयां। सब तो पहलां देखो इत्थे की है बनिया होया है हल। तां हल किहड़े अक्षर नाल स्टार्ट हुंदा है? हाहे नाल। हाहा हल। तिन्नां विचों पहचान करो हाहा किहड़ा है? ए वाला है हाहा। तां असी इहदी मैचिंग हाहा हल नाल करांगे। इस तरह मैं तुहानू इक करके दिखाता, बाकी तुसीं अपनी बुक ते अपने आप करनी है। देखो इधर अगे की है छतरी। तो छछा छतरी। अगर तुम्हें पता होगा कि छछा केड़ा इन्हों के बीच, तो तुम चंगी तरह मैचिंग कर सकोगे छछा छतरी। अगे देखो की है डड्डा डड्डो। तो देखो इधर डड्डा केड़ा है? ये वाला डड्डा है। तो इनू तुम डड्डा डड्डू नाल मैचिंग करनी है। अगे की है फफा फल। तो देखो फफा फल। फफा केड़ा है? ये वाला फफा फल। उस तो बाद देखो ये की है रबड़। रारा रबड़। तो इनू ये मैचिंग करनी है। बेटा जिन्नी वध तुसीं इहदी प्रैक्टिस करोगे तुहानूं उन्ना वध ही भी वर्णमाला की पहचान हो जाएगी, तो वर्णमाला तुहानूं चंगी तरह आन लग जाएगी। तो तुहानूं मैं बार बार कहनी है तुहानूं यह प्रैक्टिस बार बार करनी है। यह नहीं हैगा कि मम्मा पापा तुहानूं कहन कि तुसीं बैठ के स्टडी करो तो तुसीं ना करो। अगर तुसीं स्टडी नहीं करोगे, तुसीं इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो तुहानूं वर्णमाला कदें भी नहीं आएगी। तो तुसीं बार बार अपनी इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।